अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं निशा। तो आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूं कि हम कहां जा रहे हैं। लास्ट व्लॉग में मैंने शेयर किया था कि हम विंटर ब्रेक के लिए बाहर जा रहे हैं और उसके लिए मैंने कुछ स्नैक्स भी बनाया था। तो आज की वीडियो में मैं शेयर करूँगी कि हम कहां जा रहे हैं, हमने क्या क्या इन्जॉय किया और बहुत सी मज़ेदार और ब्यूटीफुल व्यू जो है वो मैं आपसे शेयर करूँगी। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए और वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो यहाँ पे जो है वो हम, मेरी फैमिली और हम सब बच्चे मिलके जो है वो सुबह सुबह अराउंड 8 to 9 o'clock को जो है वो हम हमारे वेकेशन के लिए निकले हैं। और वो जो हमारा वेकेशन स्पॉट है वो है कोकन। तो कोकन में हम कहाँ जा रहे हैं वो मैं आगे चल के आपको धीरे धीरे बताऊँगी, क्योंकि कोकन जो है वो हमारा बहुत ही फेवरेट स्पॉट है। वहाँ पे बहुत ही ब्यूटीफुल व्यू रहता है और वहाँ पे बीच देखने मिलता है और वहाँ के बीच भी बहुत क्लीन है। तो यहाँ पे जो है हम हमारे डेस्टिनेशन पर पहुँच गए थे और तो वहाँ पे ही हमने लंच एंजॉय किया, जो कि स्पेशल कोकनी सोल कड़ी और फिश करी के साथ में फ्राई फिश थी। फिर उसके बाद में जो है वो हमने रूम ले लिया और हमारे रूम का जो व्यू था वो बीच व्यू था, जो कि वॉकिंग डिस्टेंस पे था। तो वहाँ पे हम चले गए थे, जो कि बहुत ही रिलैक्सिंग और बहुत ही ब्यूटीफुल कामिंग नेचर के साथ में ये बीच जो है वो बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। तो मैंने ये कैप्चर कर लिया। उसके बाद में जो है वो हम बोटिंग के लिए चले गए थे। तो ये जो बोटिंग है वो बहुत ही अच्छा बोटिंग है, जो कि हमें बहुत अच्छा एक्सपीरियंस यहाँ पे मिला। ये जो है वो देवभाग बीच है, जहाँ के सुनामी आइलैंड इसको कहते हैं। इसका जो हिस्ट्री है वो आगे बोटिंग में हम आपको बताएंगे। और बीच भी है वो बहुत ही क्लीन और बहुत ही अच्छा लगा मुझे। यहाँ पर कोई भी डस्ट नहीं था। कोकन की जो बीच है वो बहुत ही अच्छे से इन्होंने मेंटेन रखा है। यहाँ पे कोई भी आपको कचरा नहीं दिखेगा, रियल नेचुरल ब्यूटी आपको यहाँ पे दिखेगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि सनसेट अभी थोड़ी देर पहले होने वाला है, तो हमें सनसेट भी देखने मिलेगा। उसके बाद में जो है वो हम बोटिंग करने का हमने डिसाइड किया। और यहाँ पे आने के बाद में, और अगर बीच सामने है और हम उस वाटर में नहीं जाए, ऐसे हो ही नहीं सकता। बहुत ही काम और ठंडा वाटर था, तो हम यहाँ पे थोड़ा हमने टाइम स्पेंड किया। उसके बाद में आप यहाँ पे देख सकते हो कि कितना ब्यूटीफुल यहाँ पे नेचर आपको दिख रहा है। ग्रीनरी बहुत अच्छी थी और उसके साथ में जो है वो बहुत ही अच्छा व्यू भी दिख रहा था। तो यहाँ पे हमने कुछ टाइम जो है वो स्पेंड किया। थोड़ा देर यहाँ पे स्पेंड करने के बाद में जो है वो हमने बोटिंग के लिए जो हमारी बोट थी वो आ गई। फिर हम सब उसमें बोट में चले गए और बोटिंग का जो एक्सपीरियंस था वो बहुत ही अच्छा था। जो बोट ओनर थे, जो कि चला रहे थे, वो बहुत अच्छे से जो है वो हमें एक्सप्लेन कर रहे थे। वहाँ पे जो अदर पॉइंट्स थे वो हमें अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे थे। तो ये बोट राइड्स जो है वो हमारी वेस्ट नहीं की। हमें बहुत ही अच्छा व्यू देखने मिला और जो अदर पॉइंट्स थे वो भी अच्छे से हमने देख के, और उसका इंफॉर्मेटिव भी ये बोट राइड हमें लगी। अगर आप इस साइड जा रहे हो तो ज़रूर देवभाग के जो सुनामी आइलैंड है वहाँ पे ये बोट राइड ज़रूर लीजिए। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि हमारा सनसेट जो है वो बहुत ही जल्दी होने वाला है। आपको बहुत ही लाइटली दिख रहा है कि सनसेट अभी कुछ ही देर में हो जाएगा। तो ये होने के बाद में आप देख सकते हो कि बोट से जो है वो बहुत ही ब्यूटीफुल नज़ारा दिखता है। तो जिस साइड हम रुके थे उसके अदर साइड भी बीच था, तो वहाँ का भी व्यू जो था, वहाँ का बीच भी था, वह भी बहुत खूबसूरत था। तो यहाँ पे जो आपने देखा कि जो सनसेट का जो व्यू है वो मैं बीच बीच में कैप्चर कर रही थी, जो कि बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। तो ये एक आइलैंड है जहाँ पर जो है वो सी
गुल जो बर्ड रहते हैं जो समंदर के पास हमें दिखते हैं वो यहाँ पे थे, तो उन्होंने बोला कि यहाँ पे मोस्टली ये बर्ड्स रुकते हैं, तो वो हमने कैप्चर कर लिया। तो ये राइड हमें बहुत ही खूबसूरत लगी। तो इसके आगे जाने के बाद में जो आपको डिफरेंस लग रहा होगा कि वाटर जो है वो वेव्स यहाँ पे दिख रही है, यहाँ पे रिवर और जो है वो समंदर का यहाँ पे जो है वो यहाँ पे मिक्स होते हैं, जो आपको लाइन दिख रही है जो रिवर वाटर और समंदर का वाटर मिक्स होता है, जो कि हमें वो एक्सप्लेन कर रहे थे। तो इसलिए यहाँ पे इस साइड में वेव्स जो है वो ज़्यादा आ रहे थे और अदर साइड जो था वो वाटर जो था वो बहुत ही काम था। तो ये एक नया एक्सपीरियंस हमने यहाँ पर कर लिया। उसके बाद में जो है वो हम आगे चले गए, तो यहाँ पे आप देख रहे हो ये कि क्रोकोडाइल पॉइंट है, जो कि इसका फेस जो है वो क्रोकोडाइल के जैसे दिख रहा है सामने, जो कि वो कोकोनट ट्री से बना है। तो वो भी एक अच्छा अमेजिंग एक्सपीरियंस था जो कि उन्होंने हमें बताया। तो ये अदर साइड ऑफ बीच है जो कि बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही क्लीन दिख रहा था और बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा था। और इससे आगे चले जाने के बाद में जो है वो उन्होंने बोला कि ये रॉक जो है वो वहाँ पे क्रैब रॉक्स बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादातर क्रैब्स रहते हैं। और उन्होंने दिखाया भी, जो हमने देखा भी, लेकिन मैंने जो है वो अपने फ़ोन पे मैं ठीक से कैप्चर नहीं कर पाई, क्योंकि डर भी था कि फ़ोन जो है वो पानी में ना गिर जाए। तो इसलिए मैंने कोशिश की कि मैं इसे कैप्चर कर लूँ, लेकिन ये इतना ठीक से जो है वो फ़ोन में नहीं आया। तो यहाँ पे मोस्टली जो है वो क्रैब्स इन रॉक्स पे रहते हैं, तो ये क्रैब रॉक्स ही नहीं कहते हैं। और यहाँ पे जो है वो कुछ होटल्स हैं जो कि यहाँ पे टूरिस्ट एंजॉय कर रहे हैं अपना बीच टाइम। और ये जो है वो गाइड हमें बता रहे थे कि ये जॉकी शॉप की जगह है, कि जो कुछ दिनों बाद या कुछ टाइम बाद वो इन फ्यूचर में जो है वो वहाँ पे होटल बनाने वाले हैं। ये राइड जो है वो हमारी कम से कम एक घंटे तक थी। उसके बाद में जो सुनामी आइलैंड जो बोलते हैं वो ये आइलैंड है, जिसका इन्होंने पूरे एक्सप्लेन करके हमें बताया कि जब सुनामी आई थी तो यहाँ पे समंदर में जो है वो बैक वाटर के वजह से जो है वो यहाँ पे सैंड आ गया, और जिससे जो है वो यहाँ पे एक सुनामी आइलैंड बन गया। ये सब हमें ये मराठी में एक्सप्लेन कर रहे हैं। और उसके बाद में कुछ दिनों बाद जो है वो वहाँ पे राइड्स चलते रहते थे, लेकिन 2 साल पहले एक बहुत बड़ा साइक्लोन आया था, तो उसके वक्त ये वाटर कम हो गया, उसका लेवल कम हो गया, और फिर ये वाटर आगे मूव होके और एक जो है वो आइलैंड बन गया है। तो ये वाला आइलैंड बंद कर दिया क्योंकि थोड़ा रिस्की यहाँ पे था इसकी वजह से। और दूसरा आइलैंड जो है वो आगे है, जो हमें वहाँ पे ये लेके जाएंगे और दिखाएंगे। वहाँ पे जो है वो अभी वाटर राइड्स स्टार्ट है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग और अच्छी लगी ये हमें सुनामी आइलैंड का जो उन्होंने हमें एक्सप्लेन किया, वो देख के हम आगे जा रहे थे।
ये राइड हमें बहुत ही बेनिफिशियल और इंटरेस्टिंग लगी, क्योंकि इसमें जो उन्होंने बहुत ही अच्छी और इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन बताई, जो कि यहाँ पे जो क्रोकोडाइल फेस वाला जो हमने कोकोनट ट्री का मैंने दिखाया, वो कुछ आइलैंड्स यहाँ पे बीच बीच में बने हुए थे, और जो अदर इन्फॉर्मेशन उन्होंने बताई यहाँ पे जो बोल रहे थे कि जो रॉक्स है यहाँ पे, जो सुनामी वाटर आया था तो उसके आगे कभी नहीं जाता, तो वो वहाँ तक चला गया था। ये छोटी छोटी चीज़ें जो है वो हमें एक्सप्लेन कर रहे थे, जो कि हमें बहुत ही इन्फॉर्मेटिव ये राइड लगी और बहुत ही अच्छी लगी। तो उसके आगे हम जा रहे थे, तभी इन्होंने हमें बताया कि ये जो व्यू है और ये जो पॉइंट है इसे मिनी केरल कहते हैं, क्योंकि आप देख के आपको पता चलेगा कि यहाँ पे जो कोकोनट ट्री है और ये जो व्यू है तो सिमिलर टू केरल जैसे दिखता है, इसलिए इस पॉइंट को ये मिनी केरल कहते हैं। कैमरे में ये व्यू इतना खूबसूरत दिख रहा है, और अगर आप सामने से ये व्यू देखते हो तो ये और भी ज़्यादा खूबसूरत दिखता है, क्योंकि ये बहुत ही ब्यूटीफुल और बहुत ही अच्छा व्यू है, जो कि कोकण में हमें मोस्टली ये चीज़ें जो है वो नेचर ब्यूटी जो है वो हमें कोकण में ही देखने मिलती है। और अगर आप महाराष्ट्र में हैं तो कोकण में ज़रूर विज़िट कीजिए, क्योंकि अगर आपको बीच भी एंजॉय करना है, नेचुरल ब्यूटी भी देखना है, तो कोकण जो है वो बहुत ही बेस्ट प्लेस है। ये मेरा फर्स्ट ट्रैवलिंग व्लॉग है जो कि मैं आपसे शेयर कर रही हूँ, तो इसलिए मैं थोड़ा यहाँ पे डर रही थी कि मेरा फ़ोन जो है वो पानी में ना गिर जाए। इस वक्त पे जो है वो फ़ोन संभालना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन आप लोगों के लिए मैंने ये जो व्यू है वो कैप्चर किया है, क्योंकि कोकण की नेचुरल ब्यूटी जो है वो देखने जैसी होती है। वहाँ पे जो वेदर्स और वहाँ का जो व्यू, वहाँ की जो खूबसूरती, जो कि बीच के जो व्यूज जो रहते हैं वो बहुत खूबसूरत रहते हैं। तो यहाँ पे जो है वो सनसेट अदर साइड हो रहा था और इधर जो है वो चाँद निकल आया था, जो कि बहुत ही अच्छा व्यू दिख रहा था। यहाँ पे जो मैंने आपको उन्होंने सेकंड बताया था, जो सेकंड आइलैंड जो सुनामी में दो आइलैंड बन गए थे जहाँ पे उनके वाटर स्पोर्ट्स चलते रहते, तो उस आइलैंड पे हम आ गए हैं। आप देख सकते हो कि बहुत से लोग जो है वो एंजॉय कर रहे हैं, जैसे कि शाम हो रही थी और देर हो रही थी, तो इसलिए हम यहाँ पर ज़्यादा नहीं रुके। जस्ट 10 मिनट्स के लिए हम यहाँ पर उतर के जो है वो आइलैंड वाली फीलिंग लेना चाहते थे, तो इसलिए हम जस्ट उतर के 5-10 मिनट्स जो है वो वहाँ पे स्पेंड किए, और शाम हो रही थी, बच्चे छोटे थे हमारे पास, फैमिली थी, तो हम वहाँ से निकल गए। जाते वक्त जो है वो आप देख सकते हो कि ये मून का जो शैडो है वाटर में कितना खूबसूरत दिख रहा है, जो मुझे बहुत अच्छा लगा, तो मैंने ये कैप्चर कर लिया। इस तरह और भी बहुत ही अच्छे व्लॉग्स आने वाले हैं जो कि कोकण के होंगे, तो वहाँ पे हमने और क्या क्या चीज़ें की, क्या क्या देखा, वो मैं सब आगे चल के व्लॉग में शेयर करूँगी। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं हम हमारे नए वीडियो में, टिल देन बाय, अल्लाह हाफिज़।